हे गाइस, टैग जो कि एक काफ़ी वेल नोन ब्रांड है स्मार्ट वॉच की कैटेगरी में, उन्होंने अपने वर्ब सीरीज का एक नया स्मार्ट वॉच आज के डेट में इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जो कि है टैग वर्ब कनेक्ट, जो सिंपली स्पेशल फीचर्स के साथ में आता है, जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे फैसिलिटीज़ को सपोर्ट करता है। अगर इसके डिस्प्ले की हम बात करें तो यहाँ पे आपको 1.7 इंचेस का लार्ज डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, IP67 वाटरप्रूफ देखने को मिल जाता है, 24 स्पोर्ट मोड्स और रियल टाइम ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैक साइड में आपको कुछ स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि SMS का आप क्विक रिप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे अपने फ़ोन कॉन्टैक्ट को सिंक कर सकते हो, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो, रियल टाइम हार्ट मॉनिटर है, स्लीप मॉनिटरिंग है, इन ऐप GPS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, मल्टीपल वॉच फेसेस दिए गए हैं और खास बात यह है कि आपकी जो डिस्प्ले है वो आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल एक काफ़ी कमाल का पैकेज निकल के सामने आया है, जो कि टैग वर्ब कनेक्ट का है। ये बॉक्स कुछ इस तरह का, यहाँ पर मेंशन किया गया है टाइम टू से हेलो। तो चलिए जल्दी से हम इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो मेन कंटेंट है वो हमें इसके अंदर किस तरह का देखने को मिल जाता है। तो इसके हम प्लास्टिक के रैपर को यहाँ से हम निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो मेन कंटेंट है वो किस तरह का हमें इसमें देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टैग प्लस एप्लीकेशन का सपोर्ट दिखाया गया है, कि जिसे आप पेयर्ड कर सकते हैं अपने इस स्मार्ट वॉच के साथ में। तो चलिए कि ये कुछ इस तरह का पैकेजिंग निकल के सामने आता है। काफ़ी यहाँ पे प्रीमियम सा फील निकल के सामने आ रहा है, देखने से ही पता चल रहा है। चलिए अभी इसे हम बॉक्स से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ये कंटेंट है वो किस तरह का देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा वॉच जिसे हम साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या कुछ मटेरियल देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे एक बेसिक सा यहाँ पे आपको चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है, मैग्नेटिक वाला, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ आपको यूज़र मैनुअल वगैरह देखने को मिल जाते हैं इस बॉक्स के अंदर में, जैसे कि यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक आपको हाउ टू यूज़ का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे आप स्कैन करके इसके वीडियोज़ को देख सकते हो कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ कुछ रिवार्ड्स देखने को मिल जाते हैं, एक हैप्पी कार्ड देखने को मिल जाता है आपको टैग की तरफ से, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको इसके कुछ यूजर्स मैनुअल देखने को मिल जाते हैं कि आप इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप इसे पढ़ करके इजीली आप समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सारे कुछ सेटअप दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अपना ये डालते हैं अपने मेन इस स्मार्ट वॉच की तरफ, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम इससे बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस, ये आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का हमें देखने को मिल जाता है हमारा स्मार्ट वॉच, जहाँ पे ऊपर में यहाँ पे आपको टैग की ब्रांडिंग की यहाँ पे स्टिकर लगाई गई है, और बैक साइड की तरफ नजर डालें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सेंसर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको काफ़ी कुछ मदद करने वाले हैं। आपको आगे इस वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू बताऊंगा कि ये किस तरह का वर्क करता है। यहाँ पे साथ ही साथ आपको यहाँ पे चार्जिंग के कनेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर वॉच की वेट की विषय में बात करूँ तो ये गाइस काफ़ी अच्छा लाइट वेट वॉच है। अगर यहाँ पे बॉक्स कंटेंट की तरफ नजर डालें तो बॉक्स में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये जो वॉच है ये आपको मिलता है अराउंड 20 ग्राम्स के यहाँ पे वेट के साथ में। तो गाइस ये जो है 20 ग्राम के वेट के साथ में काफ़ी लाइट वेट वॉच निकल के सामने आती है। अगर आप स्ट्रिप की क्वालिटी के विषय में बात करें तो गाइस ये काफ़ी यूनिक सा स्ट्रिप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और काफ़ी स्मूथ सा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, तो जो कि मुझे काफ़ी यूनिक सा लगा है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर इसके लॉक की विषय में बात करें तो यहाँ पे आपको टैग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और ये काफ़ी प्रीमियम सा फील ला करके दे रहा है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर से ये प्लास्टिक पैनल को हटा देते हैं, और अभी आप देख सकते हो कि ये जो है कितना प्रीमियम सा फील दे रहा है, गोल्डन कलर के साथ में मुझे ये देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इसका एक्स्ट्रा यहाँ पे स्पीकर ग्रिल्स भी देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक माइक्रोफोन भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो डिवाइस है ये ब्लूटूथ कॉलिंग को सपोर्ट करता है, तो यहाँ से आप इजिली डायरेक्ट कॉलिंग भी कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पावर ऑन करके देखते हैं, तो देखते हैं कि ये कितना समय पावर ऑन करने में लग जाता है और बैटरी इसकी कितनी चार्ज है। तो यहाँ पे हमने इसके पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड किया, ये वाइब्रेट होते के साथ में यहाँ पे टैग की ब्रांडिंग आती है, और ये हमारा स्मार्ट वॉच बिल्कुल से बूट हो जाता है। तो ये कुछ फर्स्ट इंटरफेस हमें कुछ इस तरह का देखने को मिल जाती है इस डिवाइस में। अगर इसके टच कंट्रोल की से हम बात करूँ तो ये काफ़ी मुझे स्मूथ सा लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे ट्रेनिंग स्टेटस, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप मॉनिटरिंग, यहाँ पे सारे आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं सेटिंग्स के साथ में। और यहाँ पे हमारा वॉच फेस नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ अगर हम इसे राइट साइड में स्वाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें स्टेप्स काउंट करने के लिए कैलोरीज यहाँ पे और किलोमीटर सारे कुछ यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन किया जाता है। अगर हम इसे टॉप से यहाँ पे नीचे स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ब्राइटनेस का फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसे हम ब्राइटनेस को यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये इनफ है, क्योंकि यहाँ पे 500 निट्स के ब्राइटनेस के साथ में आता है ये, तो ये आपको काफ़ी इनफ है ब्राइटनेस के मामले में। साथ साथ यहाँ से आप इसे डार्क मोड, नाइट मोड भी ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ इसके सेटिंग्स है। तो यहाँ से आप वॉच फीचर्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस है, पावर ऑफ, पावर ऑन यहाँ से आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के आपको फीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं इस वॉच पे।
और यहाँ से आप ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके एप्लीकेशंस को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके आपको बताते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपको किस तरह से मदद करता है कॉलिंग से लेकर के सारे फीचर्स के ऊपर में। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने रियल टाइम हार्ट मॉनिटर यहाँ पे चेक कर रहा हूँ अपने स्मार्ट वॉच और प्लस अपने यहाँ पे ऑक्सीमीटर से। तो यहाँ पे मुझे जो है कुछ डिफरेंसेस माइनर से डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अभी साथ में मैं बोल भी रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीमीटर है वो बिल्कुल से अप हो रहा है और ये जो हमारा है स्मार्ट वॉच है ये 99 के ऊपर में दिखा रहा है और यहाँ पे ऑक्सीमीटर तो मुझे 100 क्रॉस कर चुका है, 104, 103 ऐसे करके रेटिंग आ रहे हैं इसमें। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने इसे ब्लड ऑक्सीजन लेवल को भी चेक किया है तो यहाँ पे जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो कुछ इस तरह से आया है और ये काफ़ी टाइम लेता है ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर करने में। जो कि रिज़ल्ट आया मुझे 98% का दिखाया था और सिमिलर सा 98 से 99% तो ये हमारा ऑक्सीमीटर भी दिखा रहा है। तो ओवरऑल ये दोनों ही सेम सिमिलर से रिज़ल्ट ला करके देते हैं, बट ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी बताऊँगा कि ये कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, ये आपको बेसिकली एक चेक के लिए दिया जाता है तो जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस तो अब मेन फीचर की तरफ नजर डालते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कि इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर्स देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग पे आते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे स्विच ऑन करना है, मतलब ये पावर को ऑन करना है। जैसे ही पावर ऑन होता है यहाँ पे पावर ऑन का इंडिकेशन आपको देखने को मिल जाता है और अब आप आसानी से अपने स्मार्टफोन से इसे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादातर, बस आपको अपने ब्लूटूथ को ऑन करना है और यहाँ से आप इसे कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मेरा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा डिवाइस बिल्कुल से कनेक्टेड है अब कॉलिंग के लिए। तो अब यहाँ से क्या है कि हम इसमें कॉलिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि अगर मैं अपने नंबर से किसी भी नंबर से इस पर कॉल करता हूँ तो आप देख सकते हो कि कितने ईजिली, ये देखो अभी जैसे कि यहाँ पे हमारा कॉल आ रहा है तो हम यहाँ से क्या इजीली इसे पिक भी कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस भी सुना। यहाँ से हम लोग इसे पिक करेंगे तो ये हमारा जो कॉल है बिल्कुल से पिक हो गया है और हेलो अभी आप सुन सकते हैं आवाज। हेलो हेलो सो इस तरह से हम यहाँ पे बात कर सकते हैं किसी से भी बिना किसी मतलब कि माइक्रोफोन की, या फिर यहाँ पे आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाता है और प्लस स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा जो कॉलिंग है वो बिल्कुल से इसी स्मार्ट वॉच के थ्रू हो जाता है। तो इसकी मदद से आप यहाँ से फिर कॉल डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो और चाहो तो आप यहाँ से वापस से खुद से कॉल कर भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर पैड आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ से आप नंबर डायल करके यहाँ से इजीली किसी को कॉल कर सकते हो और अपने रिसेंट कॉल के रिकॉर्ड्स यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो ये आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस चलिए अब मैं आपको इसके ऐप के कॉन्फ़िगरेशन के विषय में बता देता हूँ। तो जैसे कि आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है और यहाँ पे आपको टैग प्लस के एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो ये इजीली आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे टुडे के स्टेप्स यहाँ पे अकाउंट बता रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे मेरा हार्ट रेट जो रिकॉर्ड किया गया है वो बता रहा है। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर या फिर आपके यहाँ पे स्लीप रिकॉर्ड और ब्लड ऑक्सीजन रिकॉर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कस्टमाइज सेक्शंस में आते हैं तो यहाँ पे हमें इसे कस्टमाइजेशन करने के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डायल्स की सेटिंग्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप जाकर के यहाँ पे इसमें काफ़ी सारे आपके डायल्स देखने को मिल जाते हैं, अप टू यहाँ पे 150 प्लस आपको डायल्स देखने को मिल जाते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसे चूज़ कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे खुद के भी यहाँ पे कुछ इमेज वगैरह इंसर्ट कर सकते हो तो जो कि आपको इसमें देखने को मिल जाता है। प्लस आप यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट को सिंक कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अप टू 100 कॉन्टैक्ट को इसमें फिलअप कर सकते हो। जैसा कि अभी आपने देखा होगा जस्ट कि मैंने जैसे ही कॉल किया तो मुझे कॉल के साथ में कॉन्टैक्ट का नेम के साथ में मुझे कॉल आता है तो ऐसे में मुझे पता चल पाता है कि कौन से बंदे मुझे कॉल कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कॉल के रिमाइंडर या फिर SMS के रिमाइंडर भी यहाँ पे आपको अलर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जिसकी मदद से आपको एक SMS के रिप्लाइज भी यहाँ से दे सकते हो। तो इस तरह के आपको फीचर्स इस ऐप में देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आप अपने फर्मवेयर को भी यहाँ से अपग्रेड कर सकते हो। जैसा कि ये चेक करके आपके फर्मवेयर के बारे में बता देगा कि आपको लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो स्मार्ट वॉच है वो बिल्कुल से अपडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ में रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये काफ़ी कुछ यहाँ पे फीचर्स आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाते हैं। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जिस बजट के साथ में ये डिवाइस अभी लॉन्च होने वाला है, हालांकि इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है वो रखी गई है 2,999। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट डे जो सेल का डे है यहाँ पे आपको एग्जैक्ट एक काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद जो इसकी आपको प्राइसिंग देखने को मिलेगी वो मिलेगी 2,799 रुपीज़।
इस बजट के सेगमेंट के अंदर में आपको इतने अच्छे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी कमाल का यहाँ पे निकल के सामने आ जाता है डिवाइस, जो कि आपको ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ साथ यहाँ पे इन ऐप GPS का भी फीचर्स ला करके दे देता है, और साथ साथ यहाँ पे आप इसमें SMS वगैरह के नोटिफिकेशंस भी पा सकते हो, और साथ ही साथ उस क्विक SMS को रिप्लाई भी दे सकते हो, जो कि एक काफ़ी कूल चीज़ निकल के सामने आती है। तो ओवरऑल इस बजट सेगमेंट में आने वाला ये डिवाइस एक काफ़ी सही फिट निकल के सामने आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और इसे अगर आप बाय करना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक देखने को मिल रहा है, तो वहाँ से जाके आप इसे ईजिली बाय कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे कुछ नए वीडियोज़ के साथ में, जाते जाते गुड बाय एंड टेक केयर।